हम नए नए प्रोजेक्ट्स के बारे में आपको जानकारियाँ देखते हैं जो हमारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं लखनऊ सिटी के अंदर, और रेगुलर उसमें अपडेट भी करते रहते हैं। जैसे कि यहाँ के यहाँ जो हम जिस प्रोजेक्ट पर खड़े हैं, इसका नाम है DS2 होम्स, जो कि देवा रोड पर सिचुएटेड है। और जो देवा रोड है, ये जब आप फैज़ाबाद से मटियारी की तरफ से जो रास्ता आया हुआ है देवा रोड की तरफ, टाटा टेलको के बैक साइड में ये प्रोजेक्ट है। तो इसके वीडियो हमने पहले ही बनाई है, कुछ नया अपडेट यहाँ पर है जो कि हम लेकर के आपके लिए आए हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि जो नया अपडेशन है वो भी मैं बताऊंगा आपको। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो जैसा कि अगर मैं यहाँ प्रोजेक्ट के बारे में बात करूँ, तो यहाँ पर जब भी आप आएंगे तो यहाँ पर आपको आलोक जी मिलेंगे यहाँ पर, जो कि पूरा साइट यहाँ पर देख रहे हैं। और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे किस तरीके से इसका जो प्रीमाइसेज है, कैसे क्या डेवलपमेंट है, क्या रेट है और क्या साइज़ में मकान अवेलेबल है। तो आलोक जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। और तो यहाँ के बारे में आप से मैं पूछना चाहूँगा कि ये जो प्रोजेक्ट है, इसके बारे में आप इसका जो क्या बैकग्राउंड है, कहाँ पर सिचुएटेड है, इसके बारे में आप कुछ बताना चाहें। अगर हम लोग देखें तो ये हम लोगों का 10वां प्रोजेक्ट है। इससे पहले हम लोग 9 कॉलोनियाँ ऑलरेडी डिलीवर्ड कर चुके हैं वीजे ग्रुप DS2 के नाम से। ये 10वां प्रोजेक्ट है हमारा यहाँ पे, और यहाँ पे जो है ये गेटेड टाउनशिप का पूरा प्रोजेक्ट है। इससे पहले हम लोग लगभग 1020 पजेशन दे चुके हैं लखनऊ के अंदर। अच्छा, 1020। जी जी ओके। और बाकी यहाँ पे अभी जो आप देख सकते हैं, ये भी पूरा गेटेड टाउनशिप का प्रोजेक्ट है हमारा। इसमें हम लोग डुप्लेक्स हाउस बना रहे हैं, 2 BHK और 3 BHK हाउसेज हैं। ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो ये जो प्रोजेक्ट है DS2 होम्स जो प्रोजेक्ट है, तो ये आपका इसकी क्या लोकेशन आएगी? अगर लोकेशन की बात करें ये तो ये चिन्हट लगता है, देवा रोड चिन्हट आता है टाटा टेलको के पास। और डिस्टेंस की बात करें तो मटियारी से मात्र 5 मिनट की डिस्टेंस पे है ये। अच्छा, और देवा रोड से बात करें 2 मिनट की डिस्टेंस पे है। ओके जी। यहाँ पे अगर कोई फैमिली मकान लेती है तो यहाँ पे आसपास जो बेसिक चीज़ें हैं, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, इसकी क्या यहाँ पे अवेलेबिलिटी है आसपास सराउंडिंग में? सराउंडिंग में अगर देखेंगे, स्कूल की बात करें तो यहाँ पे 1 से 1.5 किलोमीटर के अंदर आपको अच्छे स्कूल मिल जाते हैं। इलाहाबाद पब्लिक है, कुंवर ग्लोबल स्कूल है। अगर मेडिकल फैसिलिटीज़ की बात करें तो मुश्किल से 200 मीटर पे सर यहाँ पे लावण्य आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है हमारा। तो सारी चीज़ें यहीं हैं सराउंडिंग में आपको। अच्छा, सब मार्केट वगैरह यहाँ पे? मार्केट की बात करें तो सर ये पूरा बसा हुआ एरिया है, मार्केट है, देवा रोड पूरी आपकी मार्केट है, हाईवे है मेन। अच्छा, तो 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है यहाँ से। जी, तो सोसाइटी के नियर बाई मार्केट वगैरह क्या रहेगी यहाँ पर? बाकी तो मार्केट अगर बात करें तो ज़रूरत के नाम से हम लोग एक डेली नीड स्टोर अपना खुद का ओपन करके देते हैं। कंपनी का अपना डेली नीड स्टोर रहता है, सोसाइटी के गेट पर? हाँ बिल्कुल रहेगा। अच्छा, बाकी आपको बाहर वहाँ पे जो भी डेली नीड सामान है आपको जी जी आपको मिल सकता है, घर पे प्रोवाइड हो जाएगा आपको। अच्छा, मतलब फ्री होम डिलीवरी रहेगी? होम डिलीवरी। ओके, सबसे बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे मान लीजिए कि अगर आप फैमिली में आप रह रहे, हस्बैंड वाइफ हैं, बच्चे हैं, हस्बैंड बाहर चले गए और सामान की ज़रूरत पड़ी, तो आप वहाँ फ़ोन करके आप गेट पे फ़ोन कर देंगे, आपके घर के अंदर डिलीवर हो जाएगा। तो बहुत ही यूनिक सर्विस है। और सोसाइटी की अगर हम बात करें, और क्या क्या अम्यूनिटीज़ हम दे रहे हैं यहाँ पे? ये पूरी गेटेड टाउनशिप हम लोग बना रहे हैं, जिसमें आपका गेट रहेगा, सिक्योरिटी गार्ड रहेगा, हर टर्निंग पॉइंट पर आपका CCTV कैमराज रहेंगे। और यहाँ पे हम लोग सिक्योरिटी के पर्पज़ से एक पावर बैकअप जनसेट भी दे रहे हैं। अच्छा अच्छा कॉमन एरिया के लिए। अच्छा अच्छा मतलब जैसे सिक्योरिटी फेल ना हो, आपके स्ट्रीट लाइट वगैरह है वो जी, सब उससे उस पे सब कनेक्ट रहेंगे सारी चीज़ें। अच्छा, ये जो रोड आप दे रहे हैं, तो ये रोड आपकी कितने फुट रोड आएगी सर? ये 25 फिट का पूरा रोड है आपका। अच्छा, बाकी वो भी CC रोड बना के दे रहे हैं, मेंटेनेंस फ्री रोड है। जी जी जी, CC रोड। अच्छा, ये CC रोड आएगी आपकी? जी, पूरा CC। ड्रेनेज के लिए क्या सिस्टम है यहाँ पर? ड्रेनेज का अगर बात करें तो सीवर लाइन हम लोगों ने खुद की अपनी डाल रखी हुई है। ओके, सारा तो सीवर लाइन डाल करके दे रहे हैं। जी जी, पूरा। बाकी नगर निगम एरिया है यहाँ पे, सीवर है गवर्नमेंट। अच्छा, ये नगर निगम के अंदर में एरिया है? जी जी, पूरा नगर निगम एरिया बसा हुआ एरिया है आपका। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो अच्छा, मैं जानना चाहूँगा जैसे कि यहाँ पे जो प्रीमाइसेस की अगर हम देखें, प्रीमाइसेस के अंदर देखें, तो ये रोड बन रही है, वहाँ पे गेट भी लगा हुआ है जी, और ये सारे मकान यहाँ पे बनेंगे? बिल्कुल, ये ईस्ट फेसिंग के सारे ये मकान रहेंगे। हाँ हाँ सर, ना ये सारे मकान आप बता रहे हैं कि यहाँ पे सारे आपके जो है ये वेस्ट वाले सारे बिक चुके हैं, सोल्ड आउट है ना? इसमें भी आपके कुछ मकान सिर्फ बचे, बाकी तो आपके मकान बुक हो चुके हैं? 3 मकान बचे हुए हैं, बाकी सब सोल्ड आउट है, सोल्ड आउट हो चुके हैं। ये अगर हम इस एक ये मान के चले कि जो कस्टमर की डिमांड पे ये हमेशा ख्याल शायद ये मकान बनाए। जी जी बिल्कुल। तो इसके बारे में अगर हम जानें कि क्या साइज़ का मकान है और क्या इसका प्राइस है? ये सर 1100 स्क्वायर फीट लैंड एरिया है इसका, 22x50 है। अच्छा, और अगर बिल्डअप एरिया की बात करें तो ये पूरा 1500 स्क्वायर फीट का मकान है। ओके, इसमें 4 बेडरूम है आपका,
तीन वॉशरूम है, अच्छा ड्राइंग रूम है, किचन है और पोर्च और लॉन है सारी चीज़ें। अच्छा, इसकी क्या कॉस्ट थी इस मकान की? इसकी कॉस्ट 45 लाख है। 45 लाख जी जी सर। अच्छा अच्छा, और यहाँ पे और किन किन साइजेस के मकान यहाँ पे अवेलेबल हैं? बाकी अगर बात करें यहाँ पे तो अलग अलग साइजेस हैं हमारे पास, जैसे 968 स्क्वायर फीट प्लॉट एरिया पे 1300 कवर्ड है, 3 BHK है। अच्छा, 3 BHK कवर्ड एरिया रहेगा, नीचे 2 BHK रहेगा, ऊपर एक रूम एक वॉश रूम रहेगा, टोटल 3 BHK आपका रहेगा, वो 35.5 लाख में है आपका। 35.5 लाख का? जी जी, बहुत अच्छी बात है। और उसके अलावा क्या साइज? उससे छोटे में बात करें अगर तो 1100 स्क्वायर फीट का 2 BHK कवर्ड एरिया आ जाएगा, 820 प्लॉट पे 1100 आ जाएगा आपका। अच्छा, वो 35.5 लाख का है आपका। 35.5 लाख, मतलब 30,50,000 का 820 प्लॉट एरिया रहेगा और 1100 उसका कवर्ड एरिया आएगा 3 BHK, वो मकान आपको पड़ेगा 30,50,000 रुपये का। जी जी बिल्कुल। तो दोस्तों देखिए कि 820 स्क्वायर फीट प्लॉट एरिया और 1100 स्क्वायर फीट का बिल्डअप, ऊपर का एक रूम एक बाथरूम मिला करके, तो 3 बाथरूम रहेंगे जी और 2-3 बेडरूम रहेंगे, और ड्राइंग रूम मॉड्यूलर किचन बना करके दे रहे हैं। तो सोचिए गेटेड कॉलोनी के अंदर फैज़ाबाद से लगा हुआ देवा रोड पे मुश्किल से 5 मिनट के डिस्टेंस के ऊपर गेटेड सोसाइटी नगर महापालिका के अंदर का एरिया, जहाँ पे कि सारी फैसिलिटीज़ के साथ सिक्योरिटी सिस्टम और स्टोर, आपका डेली नीड स्टोर के साथ अगर आपको ऐसी चीज़ मिल रही है, क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट हैं जिनका बजट होता है 30-32 लाख 35 लाख का, तो अगर आपका बजट 30-35 का है तो यहाँ पर समझिए कि ज़्यादा हमने एक पहला फेज है जिसके अंदर की 50 मकान निकाले गए हैं। जी जी, जिसके अंदर टोटल 50 मकान निकाले गए हैं। तो इस 50 मकान के अंदर आप देखेंगे तो 30 लाख का मकान, 820 स्क्वायर फीट का, 30,50,000 का मकान और 1100 स्क्वायर फीट बिल्डअप एरिया और 968 स्क्वायर फीट का प्लॉट एरिया के ऊपर 1300 स्क्वायर फीट का मकान बना हुआ, 3 BHK मकान और 3 बाथरूम सेट के साथ मॉडुलर किचन के साथ गेटेड कॉलोनी के अंदर सिर्फ और सिर्फ 35,50,000 बताइए। तो अगर आपका जो बजट है 30-35 का है तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, और यहाँ पे बुकिंग लगातार हो रही है। अगर आप यहाँ पे आएंगे देखेंगे चीज़ आपको ज़रूर पसंद आएगी, और चारों तरफ से ये बसा हुआ एरिया है, अगल बगल भी आप देखेंगे तो सोसाइटी यहाँ बनी हुई है, और रोड से देखेंगे तो हार्डली 2 मिनट के डिस्टेंस पर है। टाटा मोटर्स का यहाँ पे आप देखेंगे तो सराउंडिंग जो टाटा मोटर्स की है उधर से पूरा रास्ता आया हुआ, डामर की डबल रोड बनी हुई है, तो ये सारे बेनिफिट्स यहाँ पर हैं। तो अब हम चलेंगे मकान के अंदर, एक इसको समझेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर मकान बना हुआ है, और इसी से मिलता जुलता डिज़ाइन के साथ आपका मकान यहाँ पे दिया जाएगा। तो चलिए हम चलते हैं मकान के अंदर और देखते हैं कि मकान किस तरीके से बना हुआ है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये आपका पोर्ट एरिया आ जाएगा, यहाँ पे पार्किंग स्पेस अच्छा दिया गया हुआ है, हैवी ड्यूटी टाइल्स का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। और यहाँ पर जो गेट है ये आपका लोहे का गेट दिया गया हुआ है, और यहाँ के बारे में नीचे के बारे में अगर आप बताएँ किस तरीके से यहाँ पे चीज़ें दी गई हुई है। सर अगर आप देख सकते हैं ये एंट्रेंस है मकान का, ये आपका पोर्च आ जाएगा, बाकी अगर इस साइड देखेंगे तो एक लॉन आ जाएगा आपका। अच्छा। वो भी काफ़ी स्पेसियस है, आप चाहें इस पे बाइक भी अपना खड़ी कर सकते हैं आराम से जी। बाकी सर इसमें 2 एंट्रियाँ आएंगी आपकी, एक गेस्ट एंट्री आ जाएगी, एक मेन एंट्री आएगी। गेस्ट की एंट्री आएगी, ये आपकी मेन एंट्री आ जाएगी। चलते हैं मकान के अंदर, तो यहाँ पे ये आपकी ड्राइंग रूम से एंट्री है। जी जी सर। सर ये आपका स्पेस है, एक लॉबी का स्पेस है। हाँ, एक लॉबी का स्पेस है, चाहे तो आप डाइनिंग टेबल इस पर लगा सकते हैं आराम से, 6 सीटर डाइनिंग टेबल भी यहाँ पे लग जाएगी आराम से। अच्छा, और इधर किचन आएगा। हाँ सर, ये सामने आपका किचन आ जाएगा यहाँ पे, ये पूरा मॉडलर किचन हम लोग बना के देते हैं। ओके, और वो जो एंट्री है वो ड्राइंग रूम। जी जी, बाकी अगर इधर देखेंगे आप ड्राइंग रूम का क्या साइज़ होगा इसका? ये लगभग आपका जो आएगा वो 10.5x13 का है। 10.5x13 का ये पूरा आपका ड्राइंग रूम का साइज़ है जी। और यहाँ पे हम ऊपर छत पे POP करके दे रहे हैं जी, पूरा POP की डिज़ाइन रहेगी। और मकान के अंदर जो हम स्विचेस बोर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं वो किस कंपनी का दे रहे हैं? अगर केबल की बात करें हम लोग तो पूरा हैवल्स का केबल हम लोग डाल के दे रहे हैं। हैवल्स की केबल पूरे जी, जी, स्विच भी जो है वो हैवल्स का यूज, हैवल्स कंपनी का स्विच और सॉकेट भी हैवल्स का, बिल्कुल हैवल्स का। बहुत अच्छी बात है। तो पंखे वगैरह भी लगा कर? हाँ, 3 पंखे और 4 ट्यूबलाइट्स लगा के देते हैं। वो किस कंपनी? वो प्रॉप्टन कंपनी का फैन रहेंगे।
हाँ दोनों बेडरूम के मतलब ड्राइंग रूम के अंदर और दोनों बेडरूम के अंदर करके अपने देखेंगे। देखिए सामने आपके वेंटिलेशन के लिए अच्छे विंडो दिया गया हुआ है और यहाँ पे एसी का पॉइंट स्विच सॉकेट सब कंप्लीट करके आपको दिया जा रहा है। हैवेल्स कंपनी की चीज़ें दी जा रही, ब्रांडेड कंपनी है तो फ्यूचर में किसी तरीके की शॉर्ट सर्किट वगैरह ना हो इसलिए ब्रांडेड चीज़ें दी जा रही है। किचन अपने जो दे रहे हैं मॉडुलर पूरा मॉडुलर करके दे रहे हैं, मॉडुलर किचन बना करके दिया जाएगा और यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे अच्छा स्पेस दिया गया किचन का भी। और ये जो स्पेस है ये लॉबी का स्पेस दिया गया हुआ है, यहाँ पे आप अपना जो है डाइनिंग टेबल वगैरह लगा सकते हैं या एक्स्ट्रा जो है यहाँ पे आप बैठ सकते हैं चेयर लगा करके। ये आपका एक बाथरूम आ जाएगा, हाँ एक कॉमन वॉशरूम आपका आ जाएगा, ये कॉमन आ गया वॉशरूम, इसके अंदर जो फिटिंग्स है वो हाँ जो सैनिटरी की जितनी भी फिटिंग आएगी आपकी सब जैगुआर की आएगी। जैगुआर जी जी सर पूरा इसको तो जैगुआर कंपनी की इसको ब्रांड की सारी फिटिंग्स आएगी। यहाँ पर शावर है, टैप है, वो यहाँ पर सारी चीज़ें इस तरीके से आएंगी। दो रूम का आप देखिए जैसे कि ये एक बेडरूम है जी, ये मास्टर बेडरूम आ जाता है आपका, ये मास्टर बेडरूम आएगा, साथ में टैप अटैच वॉशरूम आ जाएगा। और इसमें भी आपका इंडियन के लिए या वेस्टर्न के लिए इंडियन एक वेस्टर्न नॉर्मली दिया जाता है। और यहाँ पे एक ओडियन विंडो भी दिया गया है कंसंट्रेशन के लिए। तो इस तरीके से ये आपका एक बेडरूम पूरा तैयार हो जाता है, जो कि मास्टर बेडरूम आएगा और दूसरा बेडरूम इसके बगल में आएगा। तो आप देखेंगे जैसे कि यहाँ पे ये दूसरा बेडरूम है, ये भी एक अच्छा बेडरूम निकाल कर दिया गया है। इसकी क्या साइज़ आएगी? इसकी भी साइज़ लगभग वही आएगी 10.5x13 की, 10x13 की इसकी भी साइज़ आएगी। और पीछे आपका यहाँ पे आंगन का स्पेस है, ये आप देखेंगे तो ये पूरा आंगन का स्पेस है, इसको आप स्टोर रूम की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपना जो एक्स्ट्रा सामान है घर का वो यहाँ रख सकते हैं। और ये आपका OTS में भी ऊपर का जाल दिया गया है, बाथरूम का वेंटिलेशन भी इसी में डाल दिया गया हुआ है आपका। और ये ऊपर आयरन का सेफ्टी पर्पज़ से जाल भी दिया गया है। और ये यहाँ पे भी एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, यहाँ पे देखिए क्या ग्राउंड लेवल का जो है 2 BHK, दो रूम, दो बाथरूम और ड्राइंग रूम, डाइनिंग, किचन, OTS का स्पेस आ गया और एक रूम ऊपर भी आएगा। तो चलिए हम चलते हैं ऊपर और देखते हैं ऊपर किस तरीके से मकान बना हुआ है। जो स्टेयर्स है इस पर मार्बल्स लगे हुए हैं और यहाँ पर साइड में आपकी रेलिंग लग जाएगी स्टील की लगेगी। और ये पीछे जाने का रास्ता है छत पे और ये आपका रूम का रास्ता आएगा, सामने हमारी बालकनी आएगी। तो इस तरीके से देखिए ये बेडरूम के अंदर आने का रास्ता है, ये एक बेडरूम यहाँ पे दिया गया हुआ है, एक रूम ऊपर भी आ जाएगा और सामने आपकी बालकनी आ जाएगी। तो ये तीन रूम का ये पूरा सेट है यहाँ पर कि आपको चीज़ें मिलती हैं। और कोई जानकारी आप देना चाहेंगे हमारे कस्टमर को, लोन किस तरीके से यहाँ पर होता है? लोन सर यहाँ पे प्रॉपर्टी का 80% लोन है, आप किसी भी बैंक से करा सकते हैं। अच्छा। नेशनलाइज बैंक भी लोन कर रहा है आपका। हम लोग किस बैंक से करा के दे रहे हैं? तर हम लोग सर ICICI और HDFC बैंक से करा के दे रहे हैं जी। जी चलिए बहुत अच्छी बात है। तो मकान अगर हम प्लॉट से बुक करते हैं तो क्या प्रोसेस होता है पूरा पेमेंट का? पेमेंट क्या है स्टार्टिंग में सर 1 लाख रुपये टोकन अमाउंट से स्टार्टिंग है हमारे यहाँ। अच्छा। उसके बाद क्या है सर कि आप लोन का प्रोसेस करवा लेते हैं हम लोग, लोन के बाद जो है रजिस्ट्री हो जाती है सबसे भी स्टार्टिंग में ही प्लॉट पे रजिस्ट्री करा। हाँ, प्लॉट पे रजिस्ट्री करवा देते हैं। उसके बाद सर पूरा प्रोसेस होता है 6-7 महीने का, उसमें मकान बना के आपको हम हैंड ओवर कर देते हैं। चलिए मतलब 1 लाख का टोकन दे करके आप यूनिट को होल्ड कर लेते हैं और विद इन 30 डेज के अंदर आपका जो 20% पैसा होता है वो आ जाता है और जो लोन पेपर्स होते हैं वो आप देते हैं और लोन हम प्रोसेस कंप्लीट करके पैरेलली लोन करा देते हैं। और जैसे ही लोन कम्प्लीट होता है तुरंत आपकी रजिस्ट्री हो जाती है प्लॉट पर और उसके बाद जो पैसा बचता है कंस्ट्रक्शन का वो फेज़ वाइज आता है, पहले टाई बीम के लिए, फिर छत पड़ने के लिए, फिर स्लैब क्लस्टर के लिए, फिर फिनिशिंग के लिए, फिर फेज़ वाइज पेमेंट आता है। तो आपको फेज़ वाइज बैंक पैसा देती रहती है और आप कंपनी को देते हैं और फेज़ वाइज आपका मकान बनकर रेडी हो जाता है। चलिए बहुत अच्छा लगा सारी जानकारी के लिए। अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी सवाल कर सकते हैं या मेरा जो नंबर है इस पर भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं। तो कोशिश करूँगा आपके सवालों का जवाब का रिप्लाई देने के लिए। और आप कोशिश करिए कि जल्द से जल्द प्लान करिए विज़िट के लिए यहाँ पे आई, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड इन्वेंट्रीज है यहाँ पर और सोसाइटी इस एरिया के अंदर, ऐसी सोसाइटी आपको तो बहुत मुश्किल है मिलना।
तो आप आइए यहाँ पे, देखिए चीज़ों को समझिए, और अगर आपको चीज़ डेफिनेटली पसंद ही आएगी बट आके देखिए और चीज़ों को फाइनल करिए। तो हम मिलते हैं बहुत जल्द आपको इसी साइट के ऊपर, या फिर कभी स्क्रॉल करते हुए किसी दूसरे वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप और अपने आप खुद का और अपनी फैमिली का ध्यान रखें, और कोरोना का वक्त चल रहा है, सेफ्टी मेज़र बहुत ज़रूरी है, सेफ्टी को बहुत ध्यान से चीज़ों को करिए और ख्याल रखिए अपना। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।